बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज देखें जी, हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक का, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक में कुछ टर्म हमने पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, उसके अलावा इसकी टाइप्स की थी और कुछ छोटी सी डेफिनेशनें थी, वो हमने डिस्कस की थी लास्ट चैप्टर में। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर अगर लास्ट लेक्चर का सर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, क्योंकि सर लास्ट लेक्चर में वो कनेक्टिविटी इशू हो गया था तो सर मैं ज्वाइन नहीं कर सका था। लास्ट लेक्चर मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलें, मैं फिर लास्ट लेक्चर शो करता हूँ अभी, कर लें। अच्छा, सबकी क्या राय है आप लोग बताएं, अभी ये सेकंड लेक्चर करें या पहले वो कर लें और फिर बाद में इसको देख लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग सारे, या एंड पे फर्स्ट लेक्चर देख लें? सर अभी कर मैं तो कहता हूँ सर अभी देख लें, क्योंकि सर पहले ये होगा कि वो पिछले वाला रिवीजन भी हो जाएगी उसकी, और अच्छे से वो अब नेक्स्ट चीजें भी सही समझ आ चलिए, जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है। देखिए जी, फर्स्ट हमारे पास लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, द वर्ड स्टैटिस्टिक हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस मीन पॉलिटिकल स्टेट। बेसिकली आपके पास जो वर्ड स्टैटिस्टिक है वो एक लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है, जिसकी मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट के। In 1749, Gottfried Ecknabel, during one of his lecture at German University, used the word statista to mean political sense of क्या कह रही है? स्लाइड्स शो नहीं हो रही हैं। किसी को शो नहीं हो रही? हो रही है सर, हमें हो रही है। सर हमें तो हो रही है। हाँ बेटा, दोबारा देख लें एक दफा, क्यों शो नहीं हो रही, या दोबारा ज्वाइन करें फिर शो हो जाएंगे। देखें जी, सबसे पहले जो वर्ड स्टेटिस्टिक है वो 1749 में एक लेक्चरर थे, गॉटफ्रेड एकनावल, उन्होंने जर्मन यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान एक वर्ड स्टेटिस्टा यूज किया था, और इसके भी मीनिंग थे पोलिटिकल साइंस के। ठीक है, तो वहां से स्टेटिस्टिक इंट्रोड्यूस हुई है और फिर इस पे काफ़ी सारे स्टैटिस्टिशियन ने काम किया है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, सबसे ज़्यादा जो स्टैटिस्टिक में काम किया है वो आर ए फिशर ने किया है, और आर ए फिशर को हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन में हमने दो तीन बातें पढ़ी थी, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया था। तो आप लोग स्टैटिस्टिक को तीन सेंस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रूलर सेंस, सेकेंड सिंगुलर सेंस, और थर्ड टेक्निकल सेंस है। प्रूलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक को कैसे डिफाइन करेंगे? इन प्रूलर सेंस स्टैटिस्टिक मीन द न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे उसे आप स्टैटिस्टिक कह सकते हैं। कौन सी सेंस में? प्रूलर सेंस में। जैसे हम लोगों का हाइट मेजर करें तो हाइट मेजर करेंगे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी। सेम इसी तरह लोगों का अगर हम वेट मेजर करें तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हो गए तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। इसी तरह और भी हो सकती हैं। तो ये जो मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं, अगर हम इनको डिस्कस कर रहे हैं या इनको स्टडी कर रहे हैं तो इसके बदले हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी, तो इसे आप स्टैटिस्टिक कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी सेंस में? प्रूलर सेंस में। मतलब कि जब भी आप डेटा को डील करेंगे दैट इज स्टैटिस्टिक, सिंपल वे में अगर आप इसका आंसर करें तो। नीचे नोट इसका लिखा हुआ है, इन प्रूलर सेंस द फैक्ट एक्सप्रेस इन
क्वालिटेटिव फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल गुड पुअर मैनी इटीसी डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिक। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है तो वो स्टेटिस्टिक में नहीं आएगी। कौन सी सेंस में? प्लूरल सेंस में, ठीक है। अदर सेंस में हम इसको भी स्टेटिस्टिक कहेंगे, लेकिन अगर आप प्लूरल सेंस में स्टेटिस्टिक को डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास ये जो किसी भी चीज की क्वालिटी को चीजें शो करती हैं वो प्लूरल सेंस में नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ये बंदा अच्छा है या ये बंदा पुअर है, ठीक है, तो ये चीजें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देती, इसीलिए हम इसको इन प्लूरल सेंस स्टेटिस्टिक में इंक्लूड नहीं कर सकते। नेगेटिव, मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक को डिफाइन करना। इन सिंगुलर सेंस स्टेटिस्टिक इज डिफाइन एज स्टेटिस्टिक इज अ साइंस इन विच वी कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, स्टेटिस्टिक को हम एक साइंस कहते हैं जिसके अंदर हमारा फर्स्ट जो पार्ट होता है या फर्स्ट काम होता है वो डेटा कलेक्शन का होता है। डेटा को आप डिफरेंट मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय पर्सनल इंटरव्यू, बाय मेलिंग, लोगों से क्वेश्चनेयर फिल करा के, तो इस तरह डिफरेंट वेज हैं डेटा कलेक्शन के। तो स्टैटिस्टिक में सबसे पहला काम होगा डेटा कलेक्शन का, देन उस डेटा की हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, मतलब कि उस डेटा को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट में क्या होगा कि जो हमारे पास रॉ फॉर्म में डेटा होगा उसको हम रॉ या कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, उसके टेबल बनाएंगे, उसका कोई ग्राफ बना देंगे जिससे उस डेटा को समझना इजी हो जाए हमारे लिए, वो उसकी प्रेजेंटेशन होती है। थर्ड काम क्या होता है स्टैटिस्टिक में, एनालिसिस होता है कि आपने डेटा किस मकसद के लिए कलेक्ट किया था, वो मकसद की चीज उस डेटा में से निकालना, वो एनालिसिस होता बाबू है। ओए माइक बंद कर दें, ठीक है, एनालिसिस। उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे हम कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आएंगे उनको एक लाइन के अंदर हम क्या करेंगे, बताएंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आए हैं, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, सेंसिव है, मर्दमशुमारी है। मर्दमशुमारी में जितने भी हमारे पास स्टेप होते हैं वो सारे इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, एनालिसिस निकालते हैं कि हमने किस मकसद के लिए कलेक्ट किया था। अगर उन्होंने पॉपुलेशन फाइंड करनी थी तो एंड पे जो हमें एक रिजल्ट बताते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ है या 22 करोड़ है, तो वो क्या होती है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। ये सिंगुलर सेंस है। उसके अलावा टेक्निकल सेंस में मैंने क्या कहा था, नाम से शो है टेक्निक, ठीक है, टेक्निक्स को यूज करना। तो जो टेक्निक्स होती हैं वो मोस्टली हम स्टेटिस्टिक में अप्लाई कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि स्टेटिस्टिक में एक वर्ड एस्टिमेट का आता है, ठीक है, आपने ये चीज एस्टिमेट कर ली है। तो टेक्निकल सेंस में हम स्टेटिस्टिक को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस सेंस द क्वांटिटी कैलकुलेट फ्रॉम फ्यू ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन अ सैंपल बेसिस। मतलब कि आपके पास एक लार्ज क्वांटिटी है, आप क्या करते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास इतनी कॉस्ट नहीं है कि आप उस सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से फ्यू ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और उनके जो रिजल्ट्स आएंगे आप कहेंगे कि पूरी इस इंफॉर्मेशन के भी यही रिजल्ट होंगे, ऑलमोस्ट यही रिजल्ट होंगे। तो ये एक टेक्निक्स हो गई ना, छोटे से डेटा की इंफॉर्मेशन को हम पूरे डेटा पे अप्लाई कर दें, तो ये भी स्टेटिस्टिक है बेसिकली। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है कि हमारे पास 50 स्टूडेंट की एक क्लास है और हमने स्टूडेंट के हाइट्स मेजर करनी है, तो हम 50 के बजाय क्या करते हैं, उन 50 स्टूडेंट में से रेंडमली 10 स्टूडेंट ले लेते हैं और उनकी क्या करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं तो हम एस्टिमेट बताते हैं कि हमारे पास ये जो क्लास है इसमें 50 स्टूडेंट का ऑलमोस्ट इतनी हाइट है, वो क्या है, ये भी एक स्टेटिस्टिक है।
हमने एक टेक्निक्स यूज की है और उसके थ्रू फुल इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बताया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक की दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, दूसरी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डील विद कलेक्शन ऑफ डेटा, इट्स प्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म सच एज टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम एंड फाइंडिंग एवरेज एंड अदर विच विल डिस्क्राइब द डेटा। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ऐसी स्टैटिस्टिक है जो आप इस कोर्स में पढ़ेंगे सारी, ठीक है। सबसे पहले हमने डेटा कलेक्शन के बारे भी पढ़ना है कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया भी है कि हमारे पास डिफरेंट वेज हैं डेटा कलेक्शन के। फिर हम सेकेंड चैप्टर में इसकी प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन में हम उसी डेटा को टेबल, ग्राफ, डायग्राम के थ्रू शो करेंगे जो भी हमारे पास डेटा आएगा। फिर हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हम जो हमारे पास टेबल बनेगी उनकी एवरेजेस फाइंड करेंगे। वो पांच टाइप की एवरेज हैं, उसमें से हम जो भी फाइंड करेंगे वो सारी हमें एवरेज ही दे रही होती हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड, ये पांच चीज़ें हम फाइंड करेंगे थर्ड चैप्टर में, ये हमारी एवरेजेस में आ जाती हैं। अदर मेजर से क्या मुराद है कि आप जो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे कि डेटा में वेरिएशन कितनी है, तो वो अदर मेजर्स हैं, वो भी हम इसी कोर्स के अंदर सारा पढ़ेंगे। तो आपने जितना भी कोर्स पढ़ना है वो सारा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक पढ़ना है, वन बाय वन ये सारी चीजें यहाँ पे शो होंगी इस कोर्स में। इसकी टाइप्स हैं इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक। इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक और टेक्निकल सेंस की जो डेफिनेशन थी वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक डील विद द टेक्निक यूज फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, मेकिंग द एस्टिमेट एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड इंफॉर्मेशन टेकन ऑन सैंपल बेस एंड टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट। क्या करते हैं कि हम अपनी फुल इंफॉर्मेशन से लिमिटेड इंफॉर्मेशन मतलब फ्यू ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं जिसको हम सैंपल कहते हैं, और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं टेस्टिंग करते हैं, जो रिजल्ट एस्टीमेट करते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं और उनको फ्यूचर की फॉरकास्ट के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ये चीज़ देखते हैं क्या हम इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, क्या ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये रिलायबल हैं या नहीं है, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेस पे फुल इंफॉर्मेशन के बारे बताना। ये हमारे पास इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक है, ये पूरी एक फील्ड है स्टैटिस्टिक की, ठीक है। ये मास्टर लेवल में हम पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं वो हम लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं इनको आगे हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने जो कोर्स पढ़ना है उसके अंदर आप जस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को पढ़ेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन जो है ये आपको वैसे डेफिनेशन के तौर पे आनी चाहिए, हमने इसमें काम नहीं करना। ये जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक है इसका हमारे पास काम इस कोर्स में नहीं है। आगे हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे पॉपुलेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन है, ये आप लोगों को स्टैटिस्टिक में आने से पहले पता होनी चाहिए। जैसे पहली डेफिनेशन पॉपुलेशन की है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, कंप्लीट काउंटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल आर ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को कंप्लीटली काउंट करना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। वो इंडिविजुअल हो या ऑब्जेक्ट हो, जब आप किसी भी चीज को कंप्लीटली काउंट करेंगे तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी। इसकी दो टाइप्स हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी थी, ऐसी पॉपुलेशन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी तादाद बता सकते हैं, वो फाइनाइट पॉपुलेशन होती है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, ये वो वाली पॉपुलेशन है जिसको हम अकाउंट कर सकते हैं, इनकी तादाद बता सकते हैं। इनफाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है, ऐसी पॉपुलेशन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तादाद इसकी नहीं बता सकते, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है। जैसे नंबर ऑफ स्टार ऑन स्काई, नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ,
ये वो वाली पॉपुलेशन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम तादाद नहीं बता सकते, ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपलिंग। सैंपलिंग की क्या डेफिनेशन है, सॉरी सैंपल सैंपल की क्या डेफिनेशन है? अ गुड रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, अ गुड करैक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, अ गुड रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। सबसे बेस्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे जो लिखी है ये वाली है कि पॉपुलेशन का एक खास हिस्सा जो पूरी पॉपुलेशन को शो करे वो क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। ठीक है, पॉपुलेशन का एक खास हिस्सा जो पूरी पॉपुलेशन को शो करे वो सैंपल कहलाता है। और सैंपलिंग क्या होती है? सैंपलिंग हमारे पास होती है सैंपल सेलेक्ट करने की जो टेक्निक्स होती हैं, मेथड होते हैं, उन्हें हम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, आखिर देखिए ना, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है तो उसमें अगर हमने सैंपल कलेक्ट करना है उसके लिए कुछ टेक्निक्स होंगी, कोई मेथड होंगे, फार्मूले होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे, तो वो जो टेक्निक्स मेथड या फार्मूले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन थी पैरामीटर। न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन का अगर आपके पास डेटा है, पॉपुलेशन के डेटा से जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उससे आप पैरामीटर कहेंगे। ठीक है, सिंपल वे में ऐसे याद रखना है कि पॉपुलेशन के डेटा से जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी उन्हें हम पैरामीटर कहेंगे, और उस इंफॉर्मेशन को हम ग्रीक लेटर से शो करेंगे। जैसे पॉपुलेशन के साइज को हम कैपिटल एन से शो करेंगे, पॉपुलेशन के डेटा से अगर मीन आता है तो उसको म्यू से शो करना है, पॉपुलेशन के डेटा से अगर वेरियंस आता है तो उसको सिग्मा स्क्वेयर से शो करना है। ठीक है, पॉपुलेशन को जो चीज़ डिस्क्राइब करेगी उसे आप पैरामीटर कहेंगे। और सेकंड डेफिनेशन स्टेटिस्टिक की है कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग अ सैंपल आर कॉल्ड स्टेटिस्टिक। ठीक है, जो चीज़ सैंपल को डिस्क्राइब करेगी उसे आप स्टेटिस्टिक कहेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी इनका फर्क बताया था कि एंड पे अगर एस आएगा स्टेटिस्टिक्स तो वो आपका सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एंड पे एस नहीं आता तो इसके फिर टोटली मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसके फिर मीनिंग होते हैं कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग सैंपल, ऐसी क्वांटिटी जो सैंपल को डिस्क्राइब करें इन्हें हम स्टेटिस्टिक कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं लैटिन लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सैंपल का साइज है तो उसको स्मॉल एन से शो करते हैं, पॉपुलेशन का डेटा है और उसका मीन निकाला है तो उसको आप एक्स बार से शो करेंगे। देखें ना, यहाँ पे भी मीन है, यहाँ पे भी मीन है, लेकिन डेटे का फर्क है, वो पॉपुलेशन का डेटा है ये सैंपल का है। पॉपुलेशन के डेटे के मीन को म्यू से शो करना है, सैंपल के डेटे के मीन को एक्स बार से शो करना है। और अगर आपके पास सैंपल का डेटा है और वेरियंस फाइंड करते हैं तो उसको एस स्क्वेयर से शो करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेफिनेशन वेरिएबल को हमने डिस्कस करना है और टाइप्स ऑफ वेरिएबल को। तो देखिए जी, वेरिएबल क्या है, नाम से शो है वेरी, चीज का वेरी हो जाना, चीज का फिक्स ना रहना, वो वेरिएशन कहलाएगी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो एक ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाए, जो फिक्स ना रहे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, लेकिन हाइट पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, वेट पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। प्राइस हो गई गुड्स की, तो ये भी चेंज होती हैं, ये भी वेरिएबल क्वांटिटी है। या नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए, ये भी वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल को आप लास्ट लेटर से शो करेंगे, एक्स वाई जेड से। वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं और एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल जिनकी एक फिक्स वैल्यू हो। ठीक है,
जिन वेरिएबल के बीच में या जिन वैल्यूज के बीच में जंप हो, गैप मौजूद हो, वो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। जैसे नंबर ऑफ हाउस इन स्ट्रीट, ठीक है, इसमें भी फिक्स वैल्यू होंगी, इस स्ट्रीट के अंदर 5 11 6 11 इस तरह होंगी, ठीक है। ये ऐसी वैल्यूज होती हैं डिस्क्रीट, ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, पॉइंट वाली वैल्यू शामिल नहीं होती। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, फैमिली में बच्चों की तादाद, ये भी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसमें भी पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं होती। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये भी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसमें भी चेंज नहीं होता या पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती। सेकंड हमारे पास है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस कौन से वेरिएबल होते हैं? ऐसे वेरिएबल जिनके बीच में जंप या गैप मौजूद ना हो, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो, जो कॉन्टिन्यूसली मूव करें, तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं। जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो वो हर पॉइंट को टच करती हुई जाएगी, ठीक है, जंप नहीं होगा, गैप मौजूद नहीं होगा। स्पीड ऑफ कार हो गई, तो ये भी हर पॉइंट्स को टच करके जाती है, ये भी डायरेक्ट नहीं बढ़ती, जंप नहीं लेती। आगे क्या है कि वेरिएबल में बी क्लासिफाइड इनटू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। बिल्कुल इजी है, हम वेरिएबल को मजीद क्लासिफाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से वर्ड निकला है। व्हेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, ठीक है, जब आप वेरिएबल को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं। जैसे लोगों की एज हो गई, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। हाइट हो गई, वेट हो गया, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो न्यूमेरिकल वैल्यू शो ना करें, ठीक है, होते वो भी वेरिएबल हैं, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। जैसे एजुकेशन हो गई, आइज कलर हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, तो ये ऐसे वेरिएबल हैं जिनको आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है, ये उस चीज़ की या उस वेरिएबल की क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं। और लास्ट में हमारे पास है कांस्टेंट। अभी हमने वेरिएबल पढ़ा था, जो चीज़ फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट हमारे पास होता है कि जो चीज़ फिक्स हो, चेंज ना हो, जिसकी सिर्फ एक वैल्यू हो, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। आ क्वांटिटी विच कैन अज्यूम ओनली वन वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे पाई है, तो पाई की वैल्यू 3.1416, ये हमारे पास क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, हर फील्ड में पाई की वैल्यू हम यही लेते हैं। उसके अलावा ई की वैल्यू है 2.7828 है, तो ये भी फिक्स है, ये भी कहीं पे चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट हमारे पास है। कांस्टेंट को हम शो कैसे करते हैं? इसे हम अल्फ़ाबेट, फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, और स्मॉल लेटर हम लगाते हैं इसके लिए, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ये हम कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अगर मज़ीद इसमें आप लोगों ने और डीपली इसको पढ़ना हो, तो मैंने वीडियो लेक्चर भी शेयर किया था, ठीक है, वहाँ पे आप चीज़ों को दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फिर माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर, आज का लेक्चर। अच्छा,
शो हो रहा है सबको इलेक्शन? यस सर, चलिए, यस सर। ये हमारे पास सेकंड लेक्चर है। इसमें कांस्टेंट से आगे मतलब इसमें चीजें स्टार्ट होंगी। बहुत हमने चीज इसमें पढ़नी है, प्राइमरी डेटा। द डेटा पब्लिश आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विच ओरिजिनली कलेक्ट देम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। Thus, the primary data are the first-hand information collected, compiled, and published by an organization for a certain purpose. तो primary data कौन सा data होता है? ऐसा data जो first time collect किया गया हो, मतलब पहली बार जो data collect होता है उसे आप primary data कहते हैं। यानी कि वो information जो आपके collect करने से पहले किसी के पास मौजूद ना हो तो वो प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे पास वो प्राइमरी डेटा होती है। मतलब कि डेटा की कलेक्शन के जो सोर्स हैं वो बेसिकली दो सोर्स हैं, एक प्राइमरी सोर्स है या प्राइमरी डेटा होता है और दूसरा सेकेंडरी सोर्स है, या फिर उसे आप सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डेटा कौन सा होगा? ऐसा डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, आपकी कलेक्शन से पहले वो इंफॉर्मेशन किसी के पास मौजूद नहीं होती तो वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। जैसा मैंने इसकी एग्जांपल दी है, द डेटा ऑफ पॉपुलेशन सेंसिव रिपोर्ट आर प्राइमरी डेटा। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसिव रिपोर्ट जो मर्दमशुमारी की हमारे पास रिपोर्ट होती है तो वो प्राइमरी डेटा होता है, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, उससे पहले किसी के पास मौजूद नहीं होती। जैसे अभी हमारे पास 2018 में हुई है तो उससे पहले पता नहीं, वैसे तो यानी क्या है कि हर 10 साल बाद होनी चाहिए, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा गैप था, 20-25 साल का था, उसके बाद हुई है। तो 2018 में जब ये सेंसिव हुई है तो इससे पहले एग्जैक्ट जो फिगर है वो किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। ठीक है, हर कोई यानी कि एस्टिमेटेड बताता था कि इतनी पाकिस्तान की यानी कि पॉपुलेशन होगी, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं पता थी। तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे पहले उससे किसी को पता नहीं था। आप लोग खुद भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हो जो आपके अलावा किसी के पास मौजूद ना हो, तो वो जो डेटा होगा वो प्राइमरी डेटा होगा। सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है, या सेकेंडरी सोर्स भी इसे कह सकते हैं डेटा का। तो सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? द डेटा पब्लिश आर यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द वन विच ओरिजिनली कलेक्ट देम आर नोन एज सेकेंडरी डेटा। यानी कि ऐसा डेटा जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई और बंदा कलेक्ट करे, वो उसको अपने मकसद के लिए यूज करे, उसके बाद आपको अगर उस डेटा की जरूरत पड़ी है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जाके वो डेटा ले लेते हैं, खुद कलेक्ट नहीं करते, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी बंदे से जाके वो डेटा ले लेते हैं। तो वो जो डेटा होगा वो सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है, ऐसा डेटा जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद के लिए कलेक्ट करती है, लेकिन अगर आपको जरूरत होती है तो आप उनसे जाके ले लेते हैं, फील्ड में काम नहीं करते, जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन से जाके डेटा ले लिया, तो वो जो डेटा होगा वो सेकेंडरी डेटा होगा। जैसे कि मैंने इसकी एग्जांपल दी है, द डेटा इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आर सेकेंडरी डेटा बिकॉज दीज आर ओरिजिनली कलेक्ट बाय फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखना है तो ये सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको सिर्फ दो अदारों से मिल सकती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक का एक अदारा है इस्लामाबाद में, उससे आप ले सकते हैं, या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है आप जाकर उनसे ले लेते हैं, तो ये कौन सा डेटा होगा? ये फिर आपके पास सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि उन लोगों ने अपने मकसद के लिए उसको कलेक्ट किया था, यूज किया, आपने उनसे जाके ले लिया, तो वो फिर क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है, तो ऐसा डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो प्राइमरी डेटा होगा, ऐसा डेटा जो आप जाके किसी से ले लेते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से,
वो कैंडिडेट होता है। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। चल जी, हम आगे, हमारे पास नया टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्केल। मेजरमेंट ऑफ स्केल में हम क्या पढ़ेंगे? बाय मेजरमेंट ऑफ स्केल वी यूजली मीन द असाइनिंग ऑफ नंबर टू ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट एंड स्केलिंग इट्स प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है या ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको नंबर असाइन करना, वो चीज क्या कहलाएगी? मेजरमेंट ऑफ स्केल। स्केल में हम क्या करते हैं? नंबर असाइन करते हैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को या ऑब्जेक्ट को। तो वो जो नंबर असाइन करने के मेथड होते हैं उन्हें हम मेजरमेंट ऑफ स्केल कहते हैं। स्टेटिस्टिक में आप चार टाइप के मेजरमेंट ऑफ स्केल पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास नॉमिनल स्केल है, सेकेंड ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, थर्ड हमारे पास इंटरवल स्केल होगा और फोर्थ हमारे पास रेशियो स्केल होता है। सबसे पहले हम यानी कि तरतीब वाइज इनको पढ़ेंगे। तो नॉमिनल स्केल जो है वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती, इतनी अच्छी स्केलिंग उसमें नहीं होती, उससे बेस्ट ये है, फिर इससे बेस्ट ये है, और सबसे बेस्ट जो आपके पास मेजरमेंट ऑफ स्केल होता है वो रेशियो स्केल होता है। ठीक है, इस टाइप के भी वैवा के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि सबसे बेस्ट मेजरमेंट ऑफ स्केल कौन सा होता है, तो वो रेशियो स्केल होता है, क्योंकि रेशियो स्केल के अंदर बाकी इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी शामिल होती हैं। ठीक है, तो रेशियो स्केल सबसे बेस्ट मेजरमेंट ऑफ स्केल है। बाकी ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना होता है तो माइक ऑन करके आप बीच में से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे स्लाइड शो करता हूँ तो वहां पे फिर मुझे जो बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं तो मैसेज वो मुझे फिर यहाँ पे शो नहीं होते हैं, इसीलिए आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं चीज, क्योंकि मैसेज की तरफ मैं जाऊँ तो फिर ये स्लाइड गायब हो जाएंगी, इसीलिए जिसने भी क्वेश्चन पूछना होता है तो वो माइक ऑन करके पूछ लिया करें। चलिए जी, नॉमिनल स्केल बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिएगा सारों को। द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज और क्लासेस इसका इज सेड टू बी नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैटेगरीज और क्लासेस। ठीक है, नॉमिनल स्केल में क्या करना होता है? पहला काम, सबसे पहला काम क्या है कि अपनी इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन को क्वालिटी की बेस पे कैटेगराइज करना या उसकी क्लासेस बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम क्वालिटी की बेस पे चीजों को क्लासिफाइड करेंगे, देन उनको नंबर असाइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा? नॉमिनल स्केल होगा। ठीक है, दो चीजें इसमें याद रखनी है, क्वालिटी की बेस पे चीज को क्लासिफाइड करना, देन नंबर असाइन करना, ये हमारे पास नॉमिनल स्केल होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आर क्लासिफाइड एज मेल एंड फीमेल। जैसे मैं, आप लोगों की अभी क्लास हो रही है तो इसको मैं अगर क्लासिफाइड करूं, मैं इस पे नॉमिनल स्केल लगाना है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? क्वालिटी की बेस पे आप लोगों की क्लास को क्लासिफाइड करूंगा। जब मैं क्वालिटी की बेस पे क्लासिफाइड करूंगा तो क्या क्वालिटी है, मैं क्या करूंगा? मेल स्टूडेंट अलग कर दूंगा, फीमेल स्टूडेंट अलग कर दूंगा। ठीक है, जेंडर की बेस पे क्लासिफाइड कर दूंगा। तो नॉमिनल स्केल का फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने क्वालिटी की बेस पे आप लोगों की क्लास को क्लासिफाइड कर दिया। अब मैंने नंबर असाइन करने, मैं कहता हूँ मेरे पास जो मेल स्टूडेंट है मैं उनको नंबर वन असाइन करता हूँ, फीमेल जो स्टूडेंट है उनको नंबर टू असाइन करता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो नंबर मैंने असाइन किए हैं, मेल जो थे उनको नंबर वन दिया, फीमेल को नंबर टू, तो ये चीज चेंज भी हो सकती है। नॉमिनल के अंदर ये चीज चेंज भी हो सकती है, आप मेल स्टूडेंट को नंबर टू दे दें, फीमेल स्टूडेंट को नंबर वन दे दें। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल के अंदर याद रखिएगा कि
जो आप नंबर साइन करते हैं वो चेंजेबल होता है, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, दो तीन बातें हैं। जब भी आपसे नॉमिनल के बारे में पूछा जाएगा कि नॉमिनल स्केल क्या था, तो पहली बात आप लोगों ने ये बतानी है कि इसमें हम चीजों को क्वालिटी की बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, फिर उनको हम क्या करते हैं, उनको नंबर असाइन करते हैं, और वो जो हम नंबर असाइन करते हैं वो चेंजेबल होता है, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में भी बताया है कि अगर मैंने मेल स्टूडेंट को 1 दिया है और फीमेल को 2, तो ये चेंज भी हो सकता है, मैं मेल को 2 दे दूं, फीमेल को 1 दे दूं। ठीक है, जैसे नीचे एक और भी एग्जांपल मैंने लिखी थी रेनफॉल की, हैवी, मॉडरेट और लाइट, और इनको मैं तीन कैटेगरीज को मैं नंबर देता हूँ 1, 2, 3। हैवी को अगर मैं 1 दे रहा हूँ, इसे मैं 3 भी दे सकता हूँ, ये चेंज भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास नॉमिनल स्केल होता है। अब जब हम अदर पढ़ेंगे तो फिर आपको इनका डिफरेंस पता चलता जाएगा। देखें जी, सेकंड हमारे पास है ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। इट इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल स्केल एंड एडिशन हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डरिंग और रैंकिंग ऑफ द मेजरमेंट। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ऑर्डिनल जो स्केल होगा उसमें नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टीज होंगी। क्या प्रॉपर्टीज होंगी कि पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें भी क्वालिटी की बेस पे चीजों को क्लासिफाइड कर देंगे। ठीक है, ऑर्डिनल में पहला काम हम यहां पे भी क्या करेंगे, सेम नॉमिनल की तरह करेंगे कि क्वालिटी की बेस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड कर देंगे, देन उनको हम फिर नंबर असाइन करेंगे सेम जैसे वहां पे हम नंबर असाइन करते थे। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होगा, देखें जी, मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज रेटेड एज एक्सीलेंट, गुड, फेयर एंड पुअर, नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आर यूज। अब इसके नाम देखें ना, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, तो इसमें क्या करेंगे आप, क्वालिटी की बेस पे चीज को क्लासिफाइड करेंगे, देन उनको नंबर असाइन करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आप नंबर असाइन करेंगे वो चेंजेबल नहीं होगा, वो उस चीज का रैंक हो जाएगा, वो उस चीज का ऑर्डर बन जाएगा। अब पता चल गया नॉमिनल और इसमें क्या डिफरेंस है। वहां पे हम क्वालिटी की बेस पे क्लासिफाइड करते थे, यहां पे भी क्वालिटी की बेस पे क्लासिफाइड करेंगे। वहां पे भी नंबर असाइन करते थे, यहाँ पे भी फिर हम नंबर असाइन करेंगे। लेकिन उसमें क्या था कि वहां पे जो नंबर हम असाइन करते थे वो चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो उस चीज का, उस ऑब्जर्वेशन का रैंक बन जाएगा, उसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो जो चीज का रैंक होता है वो फिर चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। तो ऑर्डिनल और रैंकिंग में जस्ट ये फर्क है नॉमिनल से, इसमें जो आप नंबर साइन करेंगे वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। अच्छा, इन दोनों में कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए क्लियर है सर। यस सर, जी, गुड। अच्छा, थर्ड देखिए, इंटरवल स्केल। इंटरवल नाम से शो है, जो एक चीज का इंटरवल मतलब हम लेते हैं। अ मेजरमेंट ऑफ स्केल पोसेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज बट नॉट अ ट्रू 0 पॉइंट इज कॉल्ड एन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होगा कि एक खास इंटरवल होगा, मतलब कि मीनिंगफुल चीजों के बीच में एक डिफरेंस होगा। ठीक है, और 0 पॉइंट मतलब जीरो की यहां पे कोई वैल्यू नहीं होगी। इंटरवल स्केल में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसमें चाहे एक एक वर्ड का भी हो तो उसमें इंटरवल आप एक मैंने बनाना है, फॉर एग्जांपल 1 से 2। ठीक है, मैंने कम से कम भी रखूंगा तो कुछ ना कुछ इंटरवल होगा। अब मैं इंटरवल में ये नहीं कह सकता कि मेरे पास वैल्यू या इंटरवल 1 से स्टार्ट हुए 1 तक है, तो ये कोई इंटरवल तो ना होगा ना। ठीक है,
इंटरवल में मीनिंगफुल डिफरेंस होगा, ठीक है, वैल्यूज के बीच में। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि टेम्परेचर मेजर्ड ऑन आइदर सेल्सियस और फारेनहाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरवल स्केल बिकॉज मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैं कह दूं आज का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो लास्ट डे गुजरा है उसका 30 था, तो मीनिंगफुल डिफरेंस है कि कल वाला जो दिन था वो ज्यादा हॉट था आज वाले दिन की निस्बत। इसको आप फारेनहाइट में भी ले सकते हैं, 68 फारेनहाइट है और इधर 86 फारेनहाइट है, तो ये भी मीनिंगफुल देखे ना डिफरेंस है आज और कल के टेम्परेचर में। और जो मेन चीज है इसमें वो जीरो पॉइंट की है कि जीरो पॉइंट जो है वो यानी कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इंटरवल में कम होगा लेकिन एक दो वैल्यूज के बीच में एक खास इंटरवल होगा। जैसे मैं इसकी एक और जीरो पॉइंट की एग्जांपल बता दूं, जैसे मैं कहूं कि आज का टेम्परेचर जीरो सेंटीग्रेड है, तो क्या इसका ये मतलब है कि आज टेम्परेचर है ही नहीं? तो ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत कम है लेकिन है सही, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते ना जीरो डिग्री सेंटीग्रेड को कि टेम्परेचर है ही नहीं। ठीक है, तो जीरो जो है जीरो की कोई वैल्यू नहीं है इंटरवल स्केल के अंदर। ठीक है, कम होगा लेकिन दो वैल्यूज जो हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ एक खास इंटरवल होगा, खास डिफरेंस होगा दो वैल्यूज के बीच में, वो हमारे पास इंटरवल स्केल होता है। फिर इसका लिंक हमारे पास रेशो स्केल के साथ है। देखें जी, रेशो स्केल क्या है? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एन इंटरवल स्केल वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन। ठीक है, इसमें और रेशो इंटरवल स्केल में क्या फर्क है कि इसमें जो जीरो पॉइंट है उसकी वैल्यू होगी, वहां पे जीरो पॉइंट की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जो जीरो पॉइंट होगा वो मीनिंगफुल होगा। देखें, द रेशियो स्केल इज यूज टू मेजर वेट वॉल्यूम लेंथ डिस्टेंस। अब देखें ना, मैं एक एकदम मैं लेंथ को मेजर करता हूँ, तो रेशियो स्केल में लेंथ के लिए हम यूज करते हैं इसको। अब मैंने एक जगह पे खड़ा हूं, मैंने दूसरे पॉइंट तक जाना है, मैंने अभी अपनी जगह से हिला भी नहीं हूं, तो मेरे पास लेंथ क्या होगी? जीरो होगी ना, इसमें जीरो मीनिंगफुल होगा, जीरो कह सकते हैं, इसमें आ सकता है डिस्टेंस हमने तय करना है एक जगह पे, अभी हम बिल्कुल रुके हुए हैं, हमने एक कदम भी नहीं उठाया, तो जीरो हम डिस्टेंस आई है, लेकिन इंटरवल में हम जीरो नहीं ले सकते थे। मैंने बताया ना, अगर जीरो सेंटीग्रेड भी मैं कह दूं तो उसका ये मीनिंग नहीं होगी कि टेम्परेचर है ही नहीं, बहुत कम है लेकिन है सही टेम्परेचर होता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जीरो की वैल्यू होगी, इसमें जीरो पॉइंट होगा लेकिन उसमें जीरो नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एंड रेशियो स्केल इज दैट जीरो पॉइंट इज मीनिंगफुल इन रेशियो स्केल, के रेशियो स्केल में जो जीरो पॉइंट होगा वो मीनिंगफुल होगा, बाकी रेशो नाम से शो है वो आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रेशो बताना दो चीजों के बीच में, तीनों के बीच में। जैसे मैं कहूँ कि 1% वेट इज 100 पाउंड वाइल अदर इज 50 पाउंड, देन देयर रेशो इज 2:1। आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है उसका जो वेट है वो डबल है सेकेंड पर्सन से। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इनमें क्या रेशियो है वेट की? 2:1। ठीक है, रेशियो आप ये जो साइन है ये रेशियो का साइन है, आपने शायद कहीं और भी यूज किया हो। तो बेसिक बात आप लोगों की इसकी जो कंसेप्ट वाली है वो आनी चाहिए। इंटरवल में क्या है? जीरो पॉइंट मीनिंगफुल नहीं होता, दो पॉइंट्स दो वैल्यूज के बीच में एक खास इंटरवल होता है। और रेशियो स्केल में क्या होगा कि जीरो पॉइंट जो है वो मीनिंगफुल है, आप इसमें जीरो ले सकते हैं, जो चीजें हम इससे मेजर करते हैं उनमें जीरो वाली वैल्यू भी आ सकती है, वेट में भी आ सकती है, वॉल्यूम में भी आ सकती है, लेंथ में भी आ सकती है, डिस्टेंस, इन तीन चार जो चीजें मैंने लिखी है इसमें जीरो वाली वैल्यू आ सकती है। तो इसमें जीरो जो होगा मीनिंगफुल होगा, इंटरवल में जीरो मीनिंगफुल नहीं होगा, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का।
तो ये हमारे पास चार मेजरमेंट ऑफ स्केल थे। यहां हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म हो जाता है। एक दो चीजें और थी लेकिन वो मैंने नहीं कराई। मैंने कहा चलें जितना इजी चीजें होंगी वो सिर्फ कर लेते हैं। तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 है, इसको आप पढ़िएगा। जो चीज आपको समझ ना आए तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। शंकर जी है कि आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, वो क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में फर्स्ट जो टर्म है इसकी, ये थोड़ा सा अभी इसकी भी थ्योरी स्टार्ट होगी, फिर आगे इसके ग्राफ हैं, फिर थोड़ा सा काम मैथमेटिकल शुरू हो जाएगा हमारा। 1 से 2 लेक्चर बाद हमारा मैथमेटिकल काम शुरू हो जाएगा। ये पहले जो चैप्टर हैं ये थ्योरी वाले हैं। देखें जी, फर्स्ट इसकी टर्म जो हमने डिस्कस करनी है वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आप आम लाइफ में भी यूज करते रहते हैं। क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन टू क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन क्राइटेरिस्टिक प्रेजेंट इन द डेटा इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम चीजों को क्लासिफाइड करते हैं, डिफरेंट क्लासेस या कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्राइटेरिस्टिक। ठीक है, सेम क्राइटेरिस्टिक की बेस पे चीजों को डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस में कन्वर्ट करने का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। लेकिन शर्त यह है कि चीजें में जो क्राइटेरिस्टिक है वो सेम हो। अगर हम लोगों को, आप लोगों की ये क्लास है, इसको मैं क्लासिफाइड करूं तो मेल अलग कर देंगे, फीमेल अलग मैंने कर दिए, क्योंकि जो मेल वाला ग्रुप होगा उसमें कोई फीमेल नहीं होनी चाहिए और फीमेल वाले ग्रुप में कोई मेल नहीं होना चाहिए। सेम क्राइटेरिस्टिक वाले अपने अपने ग्रुप्स में रखना। ठीक है, सेम क्राइटेरिस्टिक की बेस पे चीजों को डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में कन्वर्ट करने का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इन क्लासिफिकेशन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज क्लासिफाइड बाय रिलीजन। वी मे अरेंज ऑल मुस्लिम इन वन ग्रुप, क्रिश्चियन इन अदर एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मेरे पास पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन है, उसको मैंने रिलीजन की बेस पे क्लासिफाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मुस्लिम को एक ग्रुप में रख देंगे, क्रिश्चियन को एक में, हिंदुओं को एक ग्रुप में रख देंगे। ये क्या हो जाएंगे? क्लासिफाइड हो जाएंगे। जो मुस्लिम का ग्रुप हो उसमें कोई हिंदू या क्रिश्चियन ना हो, जो क्रिश्चियन को उसमें अदर दो पार्टीज के लोग ना हो। तो हम क्या किया है, हमने रिलीजन की बेस पे जो पॉपुलेशन थी उसको क्या कर दिया है? क्लासिफाइड कर दिया है। ठीक है, सेम क्राइटेरिस्टिक की बेस पे क्या कर दिया है? क्लासिफाइड कर दिया है। ये हमारे पास चीज क्या होती है? क्लासिफिकेशन होती है। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। हम बेसिकली इन चार चीजों की बेस पे चीज को क्लासिफाइड करते हैं। जब हम चीज को क्वालिटी की बेस पे क्लासिफाइड करेंगे, या फिर हम क्वांटिटी की बेस पे करते हैं, या फिर जियोग्राफिकल करते हैं, या फिर टाइम के विद रिस्पेक्ट चीजों को क्लासिफाइड करते हैं। ये फोर इंपॉर्टेंट बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब चीजों को क्वालिटी की बेस पे क्लासिफाइड करना, चीजों को एट्रीब्यूट के विद रिस्पेक्ट क्लासिफाइड करना। क्या होता है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है। वेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट, या क्वालिटी भी कह सकते हैं, कि क्वालिटी की बेस पे जब हम चीजों को
या डेटे को क्लासिफाइड करेंगे तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। जैसा कि हम गुड, ठीक है, अच्छे हैं लोग बुरे हैं, इसकी बेस पे चीज़ों को क्लासिफाइड कर रहे हैं। गुड किसी का अच्छा या बुरा होना वो उसकी क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। रिलीजन की बेस पे क्लासिफाइड करना, मैरिटल स्टेटस की बेस पे क्लासिफाइड करना, तो ये हमारे पास क्या है, ये जितने भी हैं ये हमारे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आएंगे, ये उस चीज़ की क्वालिटी को शो कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय क्वांटिटी क्रेडिटरिस्टिक, क्वांटिटेटिव क्रेडिटरिस्टिक सॉरी, कि जब हम चीजों को न्यूमेरिकल वैल्यू की बेस पे क्लासिफाइड करें, ठीक है, इजी वर्डिंग में आप क्या कहेंगे कि जब हम चीजों को न्यूमेरिकल वैल्यू की बेस पे क्लासिफाइड करेंगे तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि हम लोगों की हाइट के विद रिस्पेक्ट चीजों को क्लासिफाइड करें, लोगों को क्लासिफाइड करें, तो हाइट क्या है, हाइट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कि हमने 5 फीट वाले हमने अलग रखने हैं, 5 से बिलो वाले अलग करने हैं, तो 5 अब क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी तरह वेट की बेस पे, एज की बेस पे, कि हमने 20 एज वाले लोग एक ग्रुप में रखने हैं और 20 प्लस वाले एक ग्रुप में, अब 20 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, हम चीज को क्लासिफाइड कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बेस पे, ठीक है। इनकम की बेस पे क्लासिफाइड करना, तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की बेस पे जब आप क्लासिफाइड करेंगे तो उसे आप क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। थर्ड हमारे पास है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय जियोग्राफिकल रीजन और लोकेशन, ठीक है। जब आप चीज को क्लासिफाइड कर रहे हैं जियोग्राफिकल रीजन या लोकेशन के विद रिस्पेक्ट, तो वो जो क्लासिफिकेशन होगी वो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री मे बी क्लासिफाइड बाय प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सम एक्स्ट्रा, ठीक है। हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ कंट्री हो गई या पूरा कंट्री हो गया, उसको अगर हमने क्लासिफाइड करना है तो हम उसको डिफरेंट, जैसे पाकिस्तान के सूबे बनाए हैं हमने या डिवीजन है डिफरेंट, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये क्या है, ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। या शहर हो गए पाकिस्तान के डिफरेंट, जैसे अभी आप लोग अगर वाह में मौजूद हैं तो आप किसी को नहीं कह सकते कि हम लाहौर में हैं या कराची में बैठे हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल जो क्लासिफिकेशन की हुई है और वो जो एरिया है वो वाह का है, तो आप वाह में मौजूद हैं, तो वो कौन सी क्लासिफिकेशन हुई पड़ी है, वो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हुई पड़ी है। एक शहर है, शहर के अंदर डिफरेंट मोहल्ले होते हैं, ठीक है, फिर गलियों के नाम होते हैं, तो ये क्या होती हैं, ये बेसिकली जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होती है, इसकी बेस पे भी हम चीज़ों को क्लासिफाइड करते हैं। और लास्ट हमारे पास क्या था, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, कि जब आप किसी भी चीज को टाइम के विद रिस्पेक्ट क्लासिफाइड करते हैं, व्हेन डेटा आर अरेंज बाय देयर टाइम ऑफ अकरेंस, टाइम के विद रिस्पेक्ट जब आप चीज को क्लासिफाइड करेंगे उसे आप टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। किसी भी चीज को टाइम के विद रिस्पेक्ट क्लासिफाइड कर देना, इफ वी चेक द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री आफ्टर 1 month, सॉरी 1 day, 1 week, 1 month और 1 year, वी डिवाइड द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री बाय टाइम, सो दिस इज टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। देखिए ना, एक फैक्ट्री है हमारे पास, उसकी प्रोडक्शन अगर हमने चेक करनी है तो वो प्रोडक्शन हम एक दिन बाद चेक करते हैं, या फिर हम उसका ड्यूरेशन रख लेते हैं 1 week का, या फिर 1 month का हम रख लेते हैं, या हम कहते हैं कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन हम 1 साल बाद चेक किया करेंगे, तो ये 1 day, 1 week, 1 year या 1 month, ये सारे क्या है, ये टाइम है, टाइम के विद रिस्पेक्ट हमने क्या किया है, क्लासिफाइड कर दिया है प्रोडक्शन को। या आप लोगों की जो क्लास है तो पूरा एक डे होता है 8 से 3:30 तक,
यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। वो क्या है, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको डिफरेंट टाइम के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। वो क्या है, वो टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन है। टाइम टेबल जो होता है वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन में आता है कि हर स्टूडेंट का एक जो दिन होता है उसको कितने सब्जेक्ट या कितने कोर्सेज के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, वो टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन में कोई इश्यू है तो बताएं। नो सर, क्लियर है। ठीक हो गया, बिल्कुल इजी इजी सी एग्जांपल हैं। और इसकी ये टाइप्स हो गई, देखें आगे टाइप्स हैं हमारे पास। डेटा मे बी क्लासिफाइड बाय 1, 2, 3 और मोर क्राइटेरिस्टिक एट अ टाइम। कि डेटा को आप वन टाइम में डिफरेंट क्राइटेरिस्टिक के तौर पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय वन क्राइटेरिस्टिक क्लासिफिकेशन इज सेट टू वन वे। ठीक है, अगर आप किसी एक क्रेडिटिस्टिक को देखते हैं और उसकी बेस पे क्लासिफाइड करते हैं, किसी एक क्रेडिटिस्टिक की बेस पे, तो वो वन वे क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, जैसे मैं क्या कहूँ, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री मे बी क्लासिफाइड बाय रिलीजन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, इट इज। तो हमने क्या किया है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री को सिर्फ एक चीज की बेस पे क्लासिफाइड किया है, और वो क्या है, रिलीजन की बेस पे। और हमने नहीं देखा कि इनकी एज क्या है, उनका एरिया कौन सा है, और हमने कुछ भी नहीं देखा। जस्ट हमने क्या देखा है, रिलीजन देखा है, सिर्फ एक फैक्टर। ठीक है, किसी एक फैक्टर की बेस पे जब आप चीज को क्लासिफाइड करेंगे तो वो वन वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। टू वे में क्या होगा, जब आप कोई दो क्राइटेरिस्टिक देखते हैं एट अ टाइम, किसी चीज में दो क्राइटेरिस्टिक होती हैं, तब आप उसको उन क्लासेस में रखते हैं, तो वो क्या होती है, टू वे क्लासिफिकेशन होती है। जैसे इसी में एग्जांपल को लेके चलूंगा, जैसे पॉपुलेशन को हमने क्या करना है, क्लासिफाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, दो फैक्टर रखता हूँ, रिलीजन और साथ क्या रख लेता हूँ, जेंडर भी। ठीक है, कि एक हम रिलीजन देखेंगे, एक फैक्टर रिलीजन है और दूसरा कौन सा हमने रख लिया, जेंडर। कि जब रिलीजन की बेस पे चीज क्लासिफाइड हो जाएगी फिर हम उसको मजीद क्लासिफाइड करेंगे एक और क्राइटेरिस्टिक की बेस पे, वो कौन सा है, जेंडर। वो जो आएंगे उनको फिर हम मेल फीमेल में अलग अलग भी करेंगे। मुस्लिम के जो कॉलम आएगा उसको दो मजीद कॉलम डिवाइड कर देंगे, मेल अलग कर देंगे, फीमेल अलग कर देंगे। इसी तरह क्रिश्चियन का जो एक कॉलम आएगा उसकी मजीद हम डिवीजन कर देंगे मेल और फीमेल में। तो आप क्या कर रहे हैं, हम दो क्राइटेरिस्टिक की बेस पे चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, इसे आप टू वे क्लासिफिकेशन कहेंगे। इसी तरह अगर आप कोई तीन क्राइटेरिस्टिक देख रहे हैं तो वो थ्री वे कहलाएगी। और अगर आप एट अ टाइम बहुत सारी क्राइटेरिस्टिक देख रहे हैं तो वो फिर क्या होगी, मैनी वे क्लासिफिकेशन में आएगी। जैसे हुई क्लासिफाई डेटा बाय मैनी क्राइटेरिस्टिक एट अ टाइम, द क्लासिफिकेशन इज सेट टू बी मैनी वे। कि एक ही टाइम में बहुत सारी क्राइटेरिस्टिक अगर हो तब हम चीज को शामिल करें, अदरवाइज नहीं। बहुत सारी चीजें हम एट अ टाइम देख रहे हो तो वो हमारे पास मैनी वे क्लासिफिकेशन में आएगी। जैसा कि हमारे पास है, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री मे बी क्लासिफाइड बाय रिलीजन, जेंडर, लोकेशन, एज। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंट फैक्टर रख लें और एट अ टाइम वो सारे देख के फिर हम उसको क्लासिफाइड करें, तो वो जो क्लासिफिकेशन होगी वो फिर मैनी वे क्लासिफिकेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है हमारा, आगे है टेबुलेशन। तो टेबुलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन। ठीक है, डेटा को रो या कॉलम की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, टेबुलेशन कहलाता है।
सबसे पहले काम होता है चीज को क्लासिफाइड करना। जब क्लासिफाइड हो जाएगी चीज, फिर हम उसके टेबल बनाएंगे, जिसे हम टेबुलेशन कहते हैं। मतलब उन वो जो इंफॉर्मेशन आएगी क्लासिफाइड होके, उसको हम रो या कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो रो या कॉलम की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? टेबुलेशन। टेबुलेशन में भी सिंपल, डबल, ट्रिपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टेबुलेशन भी हमारे पास इसी तरह हो सकती है। सिंपल टेबुलेशन मतलब सिंपल टेबल हो गया, या डबल टेबुलेशन, एक टेबल होगा और उसमें दो इंफॉर्मेशन होंगी। एक टेबल है और उसमें तीन इंफॉर्मेशन एट अ टाइम डिस्कस हो रही है, तो वो ट्रिपल होगा। एक ही टेबल बना हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें एट अ टाइम डिस्कस हो रही हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स टेबल होगा। तो सिंपल टेबल कैसे होगा? व्हेन टेबुलेशन करस्पोंड टू वन वे क्लासिफिकेशन। वो कहता है कि जो हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन वाला डेटा था, उसको अगर हम उसको टेबल में लिखेंगे, तो उसका जो टेबल बनेगा वो सिंपल टेबल बनेगा। क्योंकि वन वे टेबुलेशन में, सॉरी, वन वे क्लासिफिकेशन में क्या था? सिर्फ एक फैक्टर डिस्कस हुआ था। तो आपके पास जो टेबल होगा वो भी सिंपल सा बनेगा, ठीक है। उसमें एक ही फैक्टर क्या हो रहा होगा? डिस्कस हो रहा होगा। आप इजीली उसको देख के समझ सकते हैं, वो सिंपल टेबल बनेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रिलीजन, ठीक है, एक टेबल बना है, रिलीजन की बेस पे चीज क्लासिफाइड हो रही है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, ये उसके क्या कॉलम बन जाएंगे। तो सिंपल सा टेबल हो गया ना, सिर्फ एक चीज उस टेबल में डिस्कस हो रही है और वो है रिलीजन। तो जो वन वे क्लासिफिकेशन वाली इंफॉर्मेशन होती है, जब आप उसको एक टेबल के अंदर लिखेंगे, तो उस टेबल को आप सिंपल टेबल कहेंगे या सिंपल टेबुलेशन कहेंगे। व्हेन टेबुलेशन करस्पोंड टू टू वे क्लासिफिकेशन, मैंने बताया था एट अ टाइम, दो क्राइटेरिया की बेस पे जब हम चीज को क्लासिफाइड करेंगे, वो टू वे क्लासिफिकेशन होगी। और टू वे क्लासिफिकेशन वाली अगर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक टेबल में लिखेंगे, तो उस टेबल को क्या कहेंगे? डबल टेबुलेशन, ठीक है। उस एक ही टेबल होगा और उसमें दो चीजें डिस्कस हो रही होंगी। मैंने एग्जाम्पलें वही दी हैं ताकि आप लोगों को कोई चीज भूले ना, या वो भी याद हो जाए। जैसे टू वे क्लासिफिकेशन के लिए मैंने क्या किया था? रिलीजन और साथ जेंडर ले लिया था। तो अब ये जो टेबल बनेगा, इसमें रिलीजन भी होगा और साथ जेंडर भी डिस्कस हो रहा होगा। एक टेबल होगा और उसमें दो इंफॉर्मेशन होंगी, तो ये डबल टेबुलेशन कहलाएगा। व्हेन टेबुलेशन करस्पोंड टू मेनी वे क्लासिफिकेशन, इट इज कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन, ठीक है। अगर आपके पास मेनी वे क्लासिफिकेशन वाला डेटा है, वो डेटा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजों को देख के हमने चीज को क्लासिफाइड किया था, अगर वो आपके पास डेटा है और उसको टेबल में लिखना है, तो वो जो टेबल बनेगा वो कॉम्प्लेक्स टेबल बनेगा। जैसे आप देखें ना, एक टेबल के अंदर मैं ये सारी चीजें लिखूं, कि एक टेबल है उसके अंदर रिलीजन का भी कॉलम है, फिर उसके सब कॉलम में जेंडर आ जाते हैं, फिर सात रो में लोकेशन वगैरह या एज उनकी शो हो रही है। देखें ना, एक अजीब सा टेबल बनेगा, कॉम्प्लेक्स टेबल होगा। उसको काफी देर आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे, तब आपको समझ आएगी कि उसमें कितनी चीजें एट अ टाइम डिस्कस हो रही हैं। वो जो टेबल होगा वो कॉम्प्लेक्स टेबल होगा, ठीक है। जो मेनी वे क्लासिफिकेशन वाले डेटे का टेबल बनेगा, उस टेबल को आप कॉम्प्लेक्स टेबल कहेंगे, क्योंकि एट अ टाइम उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है और होता हमारे पास सिर्फ एक टेबल है। तो ये हमारे पास टेबुलेशन का टॉपिक था, डेटा को रो या कॉलम की फॉर्म में लिखना। फिर उस टेबुलेशन की आगे टाइप्स थी, सिंपल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। टेबुलेशन में कोई अगर चीज पूछनी है तो डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। चलें जी, लास्ट हमारे पास टॉपिक है आज का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग
क्वांटिटेटिव डेटा इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डेटा जो आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला डेटा होता है, उसको समराइज या ऑर्गेनाइज करना, मतलब शो करना, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मतलब कि उस डेटा को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में शो करना। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो रॉ फॉर्म में डेटा होता है। ये टॉपिक समझना है सारे लोगों ने। ठीक है, पीछे जितने भी टॉपिक थे वो थ्योरेटिकल थे, लेकिन ये जो टॉपिक है इसका आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है काम, तो ये चीज़ थोड़ी समझनी है आप लोगों ने। तो इसमें क्या होता है कि हम टेबल बनाते हैं, उसमें समराइज या ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा विच वेरियस एटम आर अरेंज इन टू क्लासेस एंड द नंबर ऑफ एटम फॉलिंग इन ईच क्लास इज स्टेटेड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को उसने यहाँ पे बता दिया है। इसमें क्या बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेटा का टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जो डेटा दिया जाएगा वो रॉ फॉर्म में होगा, उसको आप टेबल की फॉर्म में लिखेंगे और हर वैल्यू के आगे लिखेंगे कि रॉ फॉर्म के डेटा में ये वैल्यू कितने टाइम रिपीट हुई है। तो वो जो आप उसकी रेपिटेशन लिखेंगे उससे आप फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो पूरा जो टेबल बनेगा उसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, डेटा को टेबल की फॉर्म में लिखना, उसके आगे जो हर वैल्यू होगी उस वैल्यू का ये बताना कि ये कितने टाइम रिपीट हुई है। वो जो उसकी रेपिटेशन होगी उसको आप फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और होल जो टेबल बनेगा उस टेबल को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। डेटा प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो नोन एज ग्रुप डेटा। जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी होगी वो डेटा, जब वो जो डेटा की फॉर्म होगी वो ग्रुप डेटा की फॉर्म होगी। अगर एक आपको डेटा दिया जाता है और उसके अंदर क्या है कि फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो वो ग्रुप डेटा आपको गिवन है। ठीक है, ग्रुप, जैसे आप यहाँ पे, आपसे ग्रुप डेटा की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि ग्रुप डेटा क्या होता है। तो डेटा प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा डेटा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा उस डेटा को हम ग्रुप डेटा कहते हैं। और साथ ही आपसे रॉ डेटा की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो रॉ डेटा कौन सा होगा, ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, सिंपल वे में भी आप बता सकते हैं कि ऐसा डेटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ना हो, तो वो डेटा क्या कहलाता है, रॉ डेटा कहलाता है। प्रॉपर डेफिनेशन बताएं तो क्या कहेंगे, डेटा विच हैव नॉट बीन अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर का क्या मतलब है कि टेबल की फॉर्म में ना हो डेटा। ठीक है, उसका कोई ऑर्डर गिवन ना हो, तो वो जो डेटा होगा वो रॉ डेटा होगा। आगे देखें जी, आपके पास जो डेटा गिवन होगा, दो मेथड हैं उस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के। ठीक है, अगर आपको एक डेटा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो, तो उसके दो मेथड हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने यहाँ पे दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है आपके पास कि वी हैव गिवन रॉ डेटा मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इतना सा क्वेश्चन होता है तो आप लोगों की मर्जी है कि इसको आप डिस्क्रीट से करें या फिर कॉन्टिन्यूस से करें। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नाम मेंशन होता है कि आप इस डेटा को डिस्क्रीट से सॉल्व करें या फिर आप इसको कॉन्टिन्यूस मेथड से सॉल्व करें, तो फिर आप बाउंड हैं, फिर आपने उसी से करना है। अदरवाइज इस तरह सिर्फ कहा जाता है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर इन दो मेथड में से आपको जो इजी लगे आपने वो यूज करना है। मैंने इन दोनों से सॉल्व किया है जी। हमें वैल्यूज गिवन है, देखें जी ये जो वैल्यूज हैं ये रॉ फॉर्म में डेटा है। इस डेटा में देखें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है। वन आ रहा है तो वन के बाद फाइव आ गया है, फिर वन आ गया, फिर जीरो आ गया है,
कोई ऑर्डर नहीं है इस डेटे का, इस डेटा में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये जो डेटा खड़ा है ये क्वेश्चन के अंदर, ये रॉ डेटा है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, तो रॉ डेटा की ये फॉर्म है जिसमें कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर ना हो, तो वो डेटा रॉ डेटा होता है। ये हमारे पास रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा को हमने ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है। ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है और एक कॉन्टिन्यूस का है। देखिए जी, सबसे पहले मैंने इस डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सॉल्व किया है। तो चंद एक चीजें हैं आप लोगों ने याद रख करनी है, कैसे करते हैं हम इसके लिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप लोगों ने डेटा में से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढनी है कि आपको जो डेटा गिवन है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। ये सबसे पहला काम होगा फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डेटा में हम देखते हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, जीरो है, ठीक है, और लार्जेस्ट वैल्यू हम देख रहे हैं वो 10 है, ठीक है, 10 से बड़ी वैल्यू नहीं है इस डेटा में। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी थी, जीरो, और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 10। स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने जीरो लिख ली, लार्जेस्ट वैल्यू 10। अब मैंने इसका टेबल बनाना है, तो टेबल मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले ये कॉलम बनाएंगे हम एक्स का, ये देखिए मैंने कैपिटल एक्स लिखा है क्योंकि ये जो है ये आपको वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, गिवन है, इसीलिए इसको मैंने कैपिटल एक्स के साथ शो किया है। कैपिटल एक्स में कैसे वैल्यूज हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो डेटा में थी वो हमने लिखनी है, वो कौन सी थी, जीरो। अब हम इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से चलेंगे और लार्जेस्ट वैल्यू तक जाएंगे, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लार्जेस्ट वैल्यू तक आप लोगों ने जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप देखते हैं उस डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल इस डेटा के अंदर 3 मौजूद नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे, 0, 1, 2, 4, 5 इस तरह शुरू हो जाएंगे, 3 नहीं लिखेंगे। फिर अगर लिख भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ना लिखें तो वो बेहतर होता है, ये थोड़ी बहुत इस बंदे को समझ आए डेटा को डील करने की। तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करनी है वैल्यूज और लार्जेस्ट वैल्यू तक जाना है। ये मैंने लिख ली है, स्मॉलेस्ट से शुरू हुआ लार्जेस्ट तक गया। अब क्या ये टैली बार मैंने इसके बनाए हैं, या टैली मार्क भी इनको कहते हैं। अब जीरो, जीरो के आगे दो टैलीज हैं, दो टैलीज का क्या मतलब है कि डेटा के अंदर 0 2 टाइम रिपीट हुआ है। देखते हैं क्या 2 टाइम रिपीट हुआ है, यहां से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। देखें 0 1 टाइम, फिर हम देखते गए, ये देखें 0, ठीक है, ये दूसरी बार, तो 0 कितने टाइम रिपीट हुए, 2 टाइम रिपीट हुए, ये हमने 2 टैलीज लगा लिए। इसी तरह हम 1 देखेंगे कि 1 कितने टाइम डेटा के अंदर रिपीट हुए है। इस डेटा में सारे में देखना है कि 1 कितने टाइम आया है, तो ये 1 है और ये 1 है, उसके अलावा मेरे ख्याल में 1 नहीं है। तो 1 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम, तो 2 टैलीज हमने लगा लिए। फिर हमने 2 को देखा है कि 2 हमारे डेटा में कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो 2 को यहां से देखना शुरू करना है कितने टाइम, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 2 हमारे पास 5 टाइम रिपीट हो रहा है। तो 5 को कैसे हम टैली में लिखते हैं, 4 हम लाइन लगाते हैं और 5th जो लाइन होती है वो इसके ऊपर आ जाती है, तो ये 5 को शो कर रहा है, ठीक है, ये 5 टैली बार को शो कर रहा है। इसी तरह आप 3 को देखेंगे, 3 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये देखें 5 के लिए 4 लाइंस और एक ऊपर, ये 5 हो गया और ये 1 टैली 6, ठीक है। इसी तरह 4 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 9 टाइम रिपीट हो रहा है, ये आप डेटा में देख लेंगे, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो
देखिए नाइन को हम कैसे लिखेंगे, फोर टैलीज और ऊपर एक टैली, ये फाइव हो गया और फोर लाइन मजीद आगे लगाएंगे नाइन हो गया। फाइव जो था वो टेन टाइम रिपीट हुआ है, ये फाइव और फाइव, ठीक है सेम इस तरह ये बना लेंगे। फिर इन टैली बार्स को हम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, टू टैलीज हैं तो टू आ जाएगा, इसी तरह फिर टू आएगा, ये फाइव थे फाइव लिख लिया, सिक्स टैली से सिक्स लिखा है, ये नाइन, ये टेन थे सिक्स था फोर था थ्री, ये फाइव टैली से और ये वन। तो ये जो आप इसको नंबर की फॉर्म में टैलीज को लिखेंगे ये फ्रीक्वेंसी बन गई। देखिए हमारे पास रॉ फॉर्म में डेटा था ये सारा, और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। रॉ फॉर्म में जो डेटा था उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है। और कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कैसे पता चलेगा कि मैंने ये जो क्वेश्चन किए ये मेरे पास ठीक सॉल्व हुआ है या फिर इसमें कोई मिस्टेक है, तो हमेशा याद रखिएगा आप फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, इन सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर इनकी तादाद के बराबर होना चाहिए। आई थिंक ये 53 वैल्यूज हैं, तो अगर आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज को सम करें तो सम फ्रीक्वेंसीज का कितना आएगा, 53 आएगा, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। जब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इक्वल होगा तो इसका मतलब है आपने जो टेबल बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट बनाया है। ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कोई इश्यू है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नो सर, समझ आ गया। ये हमारे पास डिस्क्रीट था, चलें इसके बाद कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी आप डेटा को कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए दो तीन चीजें पहले फाइंड करनी होगी, तब आप उसको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्लास इंटरवल है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के अंदर हम इंटरवल बनाएंगे, डिस्क्रीट के अंदर इंटरवल नहीं होता, कॉन्टिन्यूस के अंदर इंटरवल होगा। अब उस इंटरवल का साइज क्या रखना है वो आप इस कैलकुलेशन के थ्रू पहले फाइंड करेंगे, देन आप उसको यूज करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस के थ्रू जब भी आप टेबल बनाएंगे तो उसके लिए ये सबसे पहले क्या करनी है, ये स्टेप करने होंगे आप लोगों को, क्लास इंटरवल फाइंड करना है। क्लास इंटरवल के लिए क्या फार्मूला है, रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। दो चीजें आपके पास जब आ जाएंगी, रेंज भी और नंबर ऑफ क्लासेस भी, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उतना आप लोगों ने क्लास का इंटरवल रखना है। अब नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने का ये फार्मूला है, 1 + 3.322 log of capital N। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने के लिए, 1 + 3.322 log of capital N। capital N से क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज क्या था, इन वैल्यूज की तादाद जितनी भी होगी आप लोग कैपिटल N की जगह पुट करेंगे, और इनकी तादाद मैंने बताई है 53 है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कैपिटल एन की जगह 53 लगाया है। कैलकुलेटर के थ्रू लॉग ऑफ 52 फाइंड 53 फाइंड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 3.322 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा उसमें क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। जब हमने 1 ऐड किया है ये सारा प्रोसीजर करके, तो मेरे पास नंबर ऑफ क्लासेस जो आई हैं वो 6.728 आई हैं, 6.728। अब मैं क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ क्लासेस क्लासेस भाई कितनी बननी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक फिगर में लिखता हूँ कि ये एग्जैक्ट वैल्यू में हो। तो मैं क्या करता हूँ कि 6.72 है, 5 से बात ऊपर है पॉइंट के बाद, तो अप्रोक्सीमेटली ये चीज किसकी इक्वल है, 7 की इक्वल है।
ठीक है, स्टैट में मैंने बताया है स्टार्ट में कि इसमें एस्टिमेट का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर पॉइंट वाली कोई वैल्यू है आप उसको फिक्स करना चाहते हैं, तो अगर वो पॉइंट के बाद 5 से अबव है तो इसको आप एग्जैक्ट फिगर में लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 6.728 है तो इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या कहा है, ये 7 की इक्वल है। ये एक चीज फाइंड हो गई, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई 7। अब रेंज फाइंड करनी है तो रेंज के लिए कैसे हम फाइंड करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। किसी भी चीज की रेंज फाइंड करनी हो तो उसके लिए ये फार्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू डेटा में 10 थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू डेटा में 0 थी। 10 माइनस 0 की है तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 10 आ गया। रेंज 10 आई है, नंबर ऑफ क्लासेस 7 आई है, इन दो चीजों को इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। ठीक है, फार्मूले के अंदर मैंने पुट किया 10/7 तो मेरे पास आंसर आया 1.4285। अब क्लास का इंटरवल रखना है, मतलब कि मेरे पास जो क्लास शुरू हो रही है इस इंटीजर से इस इंटीजर तक, अब उसमें देखें ना 1.4285 मैं अगर रखूंगा तो ये बिल्कुल अजीब सी वैल्यूज बनेगी। अब एक मैं रेंज रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 से 4, फिर 5 से 7, ये एक प्रॉपर शेप है चीज की, ना कि मैं यानी कि एक रेंज रखूं कि 0 से या 1 से 1.4285, फिर 1.4286 से इस वैल्यू तक, तो वो फिर अजीब सी एक चीज बनेगी। तो इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली क्या कहेंगे कि हमारे पास 1.4285 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 की इक्वल है, ताकि एक फिक्स वैल्यू हो जाए, इंटरवल हमारे पास रखना आसान हो जाए। तो अब क्लास का जो इंटरवल रखना है वो कितना रखना है, 2 को रखना है। देखें जी, ये सारा काम मैंने किस लिए किया, इसके लिए किया है। ये मैंने क्लासेस बनाई हैं, क्लासेस हमेशा स्टार्ट किससे करनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से। स्मॉलेस्ट 0 थी, अब 0 से ऐसे इंटीजर तक हमने जाना है कि अगर मैं इन दोनों क्लासेस का डिफरेंस लूं तो वो क्या है, 2 है, क्योंकि मेरे पास क्लास इंटरवल क्या था, 2 था, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। ठीक है, क्लास इंटरवल की डेफिनेशन है, आगे हम पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को भी। तो देखें जी, दो क्लासेस आप मेरे पास 0 से मैंने कितने तक लेके गया हूं, 2 तक, क्योंकि मेरे पास क्लास इंटरवल क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 ही आता है। फिर नेक्स्ट क्लास कहां से स्टार्ट होगी, इससे नेक्स्ट इंटीजर से, 2 है तो 3 से स्टार्ट होगी। 3 से मैं कहां तक लिखूंगा, 5 तक लिखूंगा, क्योंकि मैंने क्लास इंटरवल कितना रखना है, 2 का रखना है। तो जो क्लास इंटरवल आएगा वो सारी क्लासेस का सेम होना चाहिए, ये नहीं है कि यहाँ पे 2 का रखा है तो यहाँ पे 5 का रख लें और यहाँ पे फिर 3 का रखना है, ऐसे नहीं होगा। जो पहली क्लास का इंटरवल होगा सेम एंड तक वही इंटरवल रहेगा। अब मेरे पास क्लास इंटरवल यहाँ पे देखें 2 आया है, तो मैंने हर क्लास का इंटरवल 2 रखना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट से शुरू किया 2 तक मैं लेके गया ताकि इंटरवल कितना रहे, 2। फिर 3 से नेक्स्ट इंटीजर खुद सोचना है कि कौन सा रखना है, वो ऑलरेडी हम 5 ही रखेंगे, क्योंकि 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो तो कितना आता है, 2 आता है, 2 का इंटरवल है। फिर 5 पे एंड हुआ है तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे। अब 6 से नेक्स्ट इंटीजर कौन सा रखेंगे, ऑटोमेटिकली हम 8 ही रखेंगे, तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल। अब 8 पे एंड हुआ है तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे। अब 9 से आके हम उस इंटीजर तक इसको लेके जाएंगे जिस तक इसका डिफरेंस 2 आए। ठीक है, तो अब 9 से मैंने 11 रखा है, 11 इसलिए रखा है कि 11 माइनस 9 2, हमने क्लास इंटरवल फिक्स रखना है, चाहे एंड वाली वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी भी आ जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि इनका जो इंटरवल है वो सेम रहे। अब देखिए ना, आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि सर आपने स्मॉलेस्ट से शुरू किया है लेकिन लार्जेस्ट पे एंड नहीं किया, लार्जेस्ट हमारे पास 10 थी, तो लार्जेस्ट पे एंड इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि वहां पे फिर इंटरवल हमारे पास 1 का बनेगा, 9 से 10 की क्लास हम नहीं बना सकते, 9 से 11 की बना लेंगे। ठीक है, ताकि इंटरवल जो है वो 2 का फिक्स रहे, इसमें भी 2 का इंटरवल है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, ये
वैल्यू जो है एंड वाली बड़ी आ जाए कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप 11 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन 11 की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी ही नहीं, तो इसकी कोई यानी कि हमारे क्वेश्चन को ये डिस्टर्ब 11 बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट इससे हो रहा है क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल फिक्स रहा है, ऐसे हमने क्लासेस बनानी है। मजीद अगर इसमें कोई चीज पूछनी हो तो बिल आप एंड पे पूछ सकते हैं। आप देखें 0 से 2, अब हमने अपनी जो डेटा था उसमें देखना है कि 0 से 2 तक कितनी वैल्यूज हैं। अब इसमें 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। तो आप इस डेटा के अंदर देखेंगे कि 0, 1 और 2 ये कितने टाइम आए हैं, जितने टाइम आए होंगे उतनी आपने टैलीज लगानी है। ठीक है, 0 2 टाइम आया था, 2 टाइम 1 आया था, फिर 2 को देखें मेरे ख्याल में 5 टाइम आया था, जितने टाइम भी आए होंगे उनके आपने टैलीज लगाने। 0 से 2 ये हमारे पास टोटल कितने टाइम आ रहे हैं, 9 टाइम। 0, 1 और 2 ये तीनों कितने टाइम आ रहे हैं, 9 टाइम। हमने ये 9 टैलीज लगाए हैं, 5 और 4 9। अब 3 से 5 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। तो ये तीनों देखने हैं कि हमारे डेटा में कितने टाइम रिपीट हुए हैं। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ये 52 टाइम रिपीट हुए हैं, 3, 4 और 5। ये आपके गिवन डेटा में 25 टाइम रिपीट हुए हैं, ये 5 5 मैंने बना लिए हैं। ठीक है, 6 से 8 में 6 भी शामिल है, 7 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। इन तीनों का हमने देखा है ये 12 टाइम रिपीट हुए हैं, तो 5 और 5 10 और 2 12। फिर हमने 9 से 11 तक देखना है कि 9 10 और 11 ये तीनों कितने टाइम रिपीट हुए हैं। तो आप 11 तो है नहीं, 9 और 10 ही देखेंगे, तो वो हमारे पास कितने टाइम है, 6 टाइम होंगे। ये आप अपने डेटा में चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है, लेकिन अपनी माइंड सर्टिफिकेशन के लिए आप लोग इस चीज को चेक कर सकते हैं। फिर इनको मैंने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा है, 9 टैली से 9 25 आ गए, 12 और 6। तो ये मैंने डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है बाय कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनको आप सम करें तो ये 53 ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या रॉन्ग, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का सम करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखें, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उतना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर पिछली स्लाइड सर एक दफा निकालिएगा, अच्छा सर इसके अंदर जो ये हमारे पास ये जो वैल्यू आई हुई है 3.322 log n, सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यही वैल्यू ही निकालनी है? ये देखना, हाँ नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला है ये। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस का ये फार्मूला है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ का 1 + 3.322 log of n, ये कंप्लीट नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला है। ठीक हो गया जी, वैल्यूज मतलब कि हमने खुद से नहीं लिखी, ये फार्मूले के अंदर पक्की हैं, ये आप लोगों ने मतलब ये याद रखना है कि नंबर ऑफ क्लासेस अगर फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, 1 + 3.322 log of कैपिटल n। ठीक हो गया सर, चलें जी गुड। और किसी का कोई इशू? कोई इशू नहीं है? नो सर, नो सर, और कोई नहीं है।